तो दोस्तों क्या हाल चाल है, लैपटॉप लेने की प्लानिंग हो रही है बट आपका जो बजट है वो 20-30,000 में लिमिटेड है और ऐसे में ऑनलाइन आपको दो टाइप के लैपटॉप देखने को मिल रहा होगा, एक क्रोम ओएस का और एक विंडोज ओएस का। और अगर आप कंफ्यूज है कि ये दोनों ओएस में से आपको कौन सा बेटर परफॉर्मेंस देगा तो इस वीडियो में हम लोग हर एक फैक्टर पे कंपेयर करने वाले हैं और एक सही कंक्लूजन इस वीडियो में आपको पता चलेगा और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर से बताएगा कि आपका फेवरेट कौन सा ओएस है। सो विदाउट टेकिंग यू मच टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग दोनों ही ओएस के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं और जब क्रोम ओएस की बात करते हैं तो वहां पे स्टार्ट मेनू की जगह आपको एक होल देखने को मिलता है जिसपे क्लिक करके आप अदर्स ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। और टास्क बार की बात करें तो उसमें आपको कुछ गूगल से रिलेटेड ऐप्स देखने को मिल जाता है जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, मैसेज हो गया, गूगल डॉक हो गया, तो ऐसे ऐप मिल जाते हैं। और एक्शन सेंटर की बात करें तो वहां पे एकदम टू कॉपी आपको एंड्रॉयड की तरह देखने को मिल जाता है जो कि काफी थोड़ा सा मोबाइल वाली फीलिंग दे देता है आपके लैपटॉप में। और जब हम लोग बात करते हैं विंडोज 10 के लैपटॉप के बारे में तो भाई उससे तो आप हमेशा से देखते चले आ रहे हो, काफी वेल पॉलिश्ड और एकदम इजी इंटरफेस वाला लैपटॉप है। ये अपने को एक प्योर लैपटॉप वाली फीलिंग देता है और साथ ही साथ ऐसा नहीं लगता कि ये ओएस हमारे लिए नया है, तो काफी लंबे टाइम से आप सभी यूज करते हो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। दोनों ही ओएस में आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है जैसा कि क्रोम ओएस में आपको गूगल नाउ मिलता है। ओके गूगल करके आप जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ विंडोज 10 की बात करें तो उसमें कोर्टाना मिल जाता है जो कि आप सभी यूज करते होंगे, वैसे हम तो नहीं यूज करते। सेकंड हम लोग कंपेयर करते हैं ऐप्स और सॉफ्टवेयर को लेके। अगर हम क्रोम ओएस को देखते हैं तो वहां पे आपको एकदम एंड्रॉयड के ऐप्स वाली फीलिंग मिलती है और जितने भी आपको अगर एडिटिंग करनी है, फोटो एडिट वगैरह जो कुछ भी करना है सब एक एंड्रॉयड ऐप पे डिपेंड रहता है। जैसा कि आपको जो कुछ चाहिए प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप्स डाउनलोड करिए तब आप अपने वर्क्स कर सकते हैं। वहां पे कोई आपको हाई सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता जैसे कि फोटोशॉप वगैरह हो गया, आपको जितना ही मिलेगा सब एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप्स मिलेगा और उससे ही आप अपने सारे काम कर सकते हैं। तो देखा जाए काफी ज्यादा लिमिटेशन देखने को मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर कंपेयर करें विंडोज 10 के ओएस को तो आप वहां पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर मिलता है जैसे कि आप फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और भाई पसंद नहीं आता तो कई सॉफ्टवेयर और भी रखे हुए उसको इंस्टॉल करके हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर की बात करें तो वेब ब्राउजिंग है। और अगर क्रोम ओएस को लेके बात करें तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक गूगल क्रोम देखने को मिलता है और उसी से ही आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करो। वैसे अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि गूगल क्रोम एक अच्छा वेब ब्राउजर है और एक सिंपल और काफी ज्यादा यूज भी होता है यार, सबकी पहली प्रायोरिटी भी होती है भले वो कितना रैम कंज्यूम करता हो ये मैटर नहीं करता। और इसके अलावा आप क्रोम ओएस में कोई भी अल्टरनेट ब्राउजर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्रोम ओएस से ही काम चलाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम लोग बात करें विंडोज 10 के ओएस के लैपटॉप के बारे में तो वहां पे आपको ये मैटर नहीं करता कि आप क्रोम ब्राउजर ही यूज करिए, आप उसके साथ साथ कई अल्टरनेट ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई लैपटॉप देख रहे हैं 25,000 के अंदर या 30,000 के अंदर तो हम लोग ने काफी वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा। और इसी के साथ फोर्थ फैक्टर की बात करें तो वो है फाइल मैनेजमेंट, और इसमें आपका विंडोज ज्यादा आगे निकलता है क्योंकि बात ऐसी है कि क्रोम ओएस में आपको बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज मिलता है। और साथ ही साथ फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी सारी फाइल आपका क्लाउड में सेव होता है जो कि गूगल ड्राइव है, और इसमें भी आपको 2 साल के लिए फ्री मिलता है, बाकी फिर आपको चार्जेस लगने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज मिल जाता है विंडोज में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक अच्छा फाइल मैनेजर मिलता है जो कि आप अपने फाइल को बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिफ्थ बात करें प्रोडक्टिविटी और गेमिंग को लेके, और ऐसे में आपका क्रोम ओएस बिल्कुल भी नहीं आपको फायदा पहुंचाने वाला है, विंडोज 10 ही होने वाला है काफी एक अच्छा आपके लिए चॉइस। क्योंकि देखिए जब बात करते हैं क्रोम ओएस में तो आपको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकैड हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया और हाई एंड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्कुल भी ऑप्शन ही नहीं मिलने वाला क्रोम ओएस में, और इसके लिए विंडोज 10 ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और ऐसे में आप बोलेंगे कि यार 25,000 के लैपटॉप में आप कैसे प्रीमियर प्रो चला लोगे, तो यहाँ मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने का है ओएस में जो कि विंडोज 10 और क्रोम ओएस है। और गेमिंग की बात करें तो क्रोम ओएस में बहुत ही लिमिटेड गेमिंग कर पाएंगे, और कहने की बात है कि उसमें प्ले स्टोर दिया है, आप बीजीएमआई वगैरह सब खेल लोगे बट आप जैसे ही ओपन करोगे आपको सर्वर एरर देखने को मिलने वाला है। और इसीलिए यार कम से कम आप विंडोज 10 में एमुलेटर से तो चला लेते हो और उसके साथ साथ कई और गेम
गेम भी आप ट्राई कर सकते हो, तो एक और एक बेनिफिट आपको विंडोज 10 में मिल जाता है। सिक्स्थ हम लोग बात करें सिक्योरिटी और हार्डवेयर को लेके, तो ऐसे में क्रोम ओएस में सिक्योरिटी आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छी देखने को मिलती है और इसकी गारंटी खुद गूगल भी देता है, बिकॉज जो भी आपकी फाइल होती है वो हैकर से काफी दूर होता है क्योंकि ये सभी एक सर्वर पे स्टोर होता है और ऐसे में कोई भी इसको इजिली एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय आपके, और जब भी आपको एक्सेस करना है तो एक लॉगिन आईडी करना पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करें इसके हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो जो क्रोम ओएस में आपको स्पेसिफिकेशन मिलता है वो बहुत ही मीडियम लेवल का मिलता है, बिकॉज स्टोरेज की बात करें तो उसमें 64 GB तक का स्टोरेज मिलता है जो कि काफी ज्यादा कम है, और कंपेयर करें विंडोज 10 के लैपटॉप में तो एक सही अच्छा खासा कभी कभी SSD भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने खुद कवर किया है अपने लैपटॉप के सीरीज में, आप देख सकते हैं 25,000 के अंदर कई ऐसे भी लैपटॉप आते हैं जिसमें कि आपको SSD विद विंडोज 10 मिल रहा है, जो कि एक काफी अच्छी चॉइस होने वाली है इस बजट रेंज में। तो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको किस ओएस का लैपटॉप लेना चाहिए। तो मेरे तरफ से अगर आपका यूजेज सिर्फ इतना है कि अपना बस लैपटॉप ओपन करो, डॉक्यूमेंट एडिट करो, प्रेजेंटेशन वगैरह मीटिंग अटेंड करना है या मूवी शूवी इंजॉय करना है, तो भाई डेफिनेटली आप क्रोम ओएस की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट कुछ हाई लेवल है फ्यूचर में, मतलब कुछ 1-2 साल बाद अगर अच्छे से यूज करना है, कई सॉफ्टवेयर यूज करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ विंडोज में अवेलेबल होता है, जो कि .exe फाइल होता है, तो डेफिनेटली यार विंडोज 10 के साथ ही जाना एक सही ऑप्शन रहेगा। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही था आपको बताने के लिए, और अगर कोई और कंफ्यूजन हो आपको इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।